एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेंटा पोस्ट गामा, एक वेबसाइट है जो कि ग्रीस की वेबसाइट है और उसमें एक आर्टिकल निकल कर सामने आया है। यह आर्टिकल कुछ जाना पहचाना आर्टिकल है जो कि पुराने समय में हम लोग देख चुके हैं या इससे रिलेटेड ही आर्टिकल हम लोग देख चुके हैं जो कि GF-17 पर आधारित है। इस फिर से इस आर्टिकल में GF-17 की कमियां बताई गई हैं और किस प्रकार से जब उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक का जवाब देने के प्रयास किया तो GF-17 किस प्रकार से अपने जो काम था उसको नहीं कर पाया, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में बताई गई हैं और हमारी मीडिया ने भी इसको काफी अब कवर किया हुआ है, इस आर्टिकल को काफी कवर किया हुआ है। हम जनरली जब हमारी मीडिया में इस प्रकार के आर्टिकल निकलते थे तो पाकिस्तानी कहते थे कि इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की चीज नहीं निकली है। अब ग्रीस की वेबसाइट में भी ये चीज निकल कर सामने आई है। जो मुख्यतः कमियां जो हैं GF-17 की, मैंने भी वीडियो अलग से बनाई हुई थी, इस आर्टिकल के मुताबिक भी हम लोग समझ लेते हैं इसमें कमियां बताई गई हैं। इंजन की जो कि रशियन RD-93 का इस्तेमाल किया जाता है, इंजन कैपेबल नहीं है इस एयरक्राफ्ट का। इसके अलावा इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अच्छी नहीं है, या जब उसको दागा जाता है तो इसमें जो मिशन कंप्यूटर है वो टारगेट अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, अच्छे से काम नहीं करता है, माल फंक्शनिंग करता है जिससे कि टारगेट से भटक जाती है उनकी मिसाइल। इसके अलावा उनके लिंक 17 को भी अच्छा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं कहा गया है और इसके माध्यम से वो अपने F-16 से साथ बात नहीं कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार का एयरक्राफ्ट जो दूसरे एयरक्राफ्टों पर जो दूसरे एयरक्राफ्टों से बात ना कर सके। इसके अलावा उसमें लगने वाले जो रडार हैं वो भी बेकार क्वालिटी के हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी बेकार क्वालिटी का। ये सारी चीजें इस आर्टिकल में निकल कर सामने आया है। हो सकता है कि इस आर्टिकल को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं तो शायद अब पाकिस्तानियों की आंख खुल जाए, हालांकि वो अभी भी नहीं खुलने वाली है। और आउट ऑफ द वर्ल्ड अपने जो वो एयरक्राफ्ट कहते हैं जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है, केवल पाकिस्तान के द्वारा पेंट किया जाता है, इस आउट ऑफ द वर्ल्ड एयरक्राफ्ट की बुराई तो वो अभी भी नहीं सुन पाएंगे, चाहे इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर कितना भी उंगली उठा दे। बात चली है पाकिस्तान की तो एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है और हमारे लिए एक और फिर से हंसी वाली खबर आप इसको कह सकते हैं। पाकिस्तान ने ये घोषणा कर दी थी, उनके नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने ये घोषणा कर दी थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट कोई भी वैक्सीन नहीं खरीदेगी, केवल हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा ही लोगों को कोरोना से बचाएगी। तो इसमें उनकी सरकार का कोई योगदान नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी वो खुद व्यक्ति अपने आप से बच रहा है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही है और ये किसी तरह का कोई लॉजिकल चीज नहीं लगती थी। तो पाकिस्तान ने ये साफ साफ कहा था कि डोनेशन के साथ जो वैक्सीन आएंगी या हर्ड इम्यूनिटी, इन्हीं दो तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट चलेगी, उनके पास इतने पैसे है नहीं, हम सभी लोग जानते हैं। इसी के तहत सिनोफार्मा ने उनको 5 लाख डोज दी और उन्होंने वायदा किया था कि 1 मिलियन डोज उनको देंगे, जिसमें से 5 लाख डोज उनके पास दे दी गई है चीन के द्वारा। तो चलो ये हो गया कि चीन ने अपनी दोस्ती निभाई या चीन इससे पैसे कहीं से और से उनसे ले लेगा, पर 10 लाख जो डोज है वो उनको पहुंचाने की व्यवस्था वो करेगा। अब ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन ने ये फैसला किया है कि भारत में बनी हुई जो वैक्सीन होगी एस्ट्राजेनिका की, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई है, जिसका जो निर्माण है वो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है, उसके 16 मिलियन डोजेस अब पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। और इस ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के द्वारा पहुंचाया जाएगा, इसका काम यह होता है कि गरीब देशों को वैक्सीन पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, इसमें जो अन्य देश हैं वो भी फंडिंग करते हैं, इसके अलावा प्राइवेट फंडिंग भी होती है। तो एक तरह से आप समझिए कि पाकिस्तान एक गरीब देश है, एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जो कि उनको अब दवाई देगी, ये समझ के कि उनकी औकात नहीं है कि वो खुद अपने देशवासियों के लिए दवाई खरीद सके। बहरहाल पाकिस्तान कितना भी उछलता रहे, कितने भी आतंकवादी भारत में भेजता रहे, भारत की जो पॉलिसी रही है ह्यूमैनिटी की वो फिर से सामने आ रही है। आप ये कहेंगे कि भारत को इस तरह की जो ड्रग्स है या वैक्सीन है वो नहीं भेजनी चाहिए पाकिस्तान में, पर इसमें भारत का मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई अधिकार होता है, क्योंकि ये संस्था कोई और है। सेरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इस संस्था को बेचा जा रहा है, इस संस्था का चाहे कहीं भी खपत हो उससे भारत या भारत की किसी कंपनी का कोई मतलब
नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। इसके अलावा जो सेरम इंस्टीट्यूट है वो भी अपनी दवाई नहीं बना रहा, वो एक प्रोडक्शन फैसिलिटी है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दवाई बना रहा है। इसलिए भारत ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को ये दवाई देने के लिए मजबूर है। और हालांकि भारत ना चाहने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है, भारत से जिसने भी जिस कंट्री ने भी मांगा है, चाहे वो कनाडा ही क्यों ना हो, बाद में कनाडा ने मांगा तो भारत ने उनको वो डोजेस दी हैं, और पाकिस्तान भी अगर मांगता तो उनको भी वो डोजेस देते, पर पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है, वो किस मुंह से मांगते। या हो सकता है कि जो सीज फायर वायोलेशन बंद करने की बात जो हुई है, वो क्या पता बैकडोर में भारत से ये वायदा किया गया हो कि वैक्सीन की डोजेस पहुंचाइए, हम इस तरह की जो हरकतें हैं वो बंद कर देंगे। वही बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना का डिफेंस बजट अब 6% और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चीन ने अपने रक्षा बजट को 195 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 209 बिलियन डॉलर तक कर दिया है, जो कि 6.5% का लगभग एक इजाफा माना जा सकता है। इसकी घोषणा उनके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा उनकी पार्लियामेंट में की गई, जिसको पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। इसमें उन्होंने अपनी अलग अलग प्रकार की उपलब्धि बताई, सी जिनपिंग गवर्नमेंट की उपलब्धि बताई। इसके अलावा एक उपलब्धि उन्होंने ये भी बताई कि इतना बड़ा हमने एक एक्सरसाइज को परफॉर्म किया, उसके बाद हम सीमा तक गए, लद्दाख तक गए, और भारत को इस चीज के लिए मजबूर किया कि भारत भी बिल्डअप करे। अरे वो अपनी कमी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो भारत की सीमा के अंदर घुसना चाहते थे पर भारत ने उनको रोका, इस चीज को वो नहीं बताए। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से उन्होंने भारत पर दबाव बनाया और भारत को वहां पर डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। ये किस प्रकार का दबाव है जिसके लिए केवल वो किसी देश को डिप्लॉयमेंट करने पर मजबूर कर दे और अपनी फिर पीठ थपथपाए। ये किसी प्रकार का भी कोई भी पीठ थपथपाने वाली बात नहीं होती है, ये अपनी केवल कमियों को छुपाने की बात होती है कि हम वहां तक गए और वापस हम लौट आए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप गए हैं तो किसी कारण से गए होंगे, केवल किसी देश के डिप्लॉयमेंट को चेक करने के लिए या अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि हम चेक करने केवल गए थे, तो ये आप बेवकूफ बना रहे हैं। पर बहरहाल जो चाइना के द्वारा बताया गया कि उनकी 209 बिलियन डॉलर का जो रक्षा बजट हो चुका है वो भारत के 3 गुने से ज्यादा है। इसके अलावा जो अमेरिका है जिसका कि 7.5 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट है, उसका लगभग 1/3 है, तो भारत को इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध को इस सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।